स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फीका पड़ जाता है। सो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस जो है वो तैयार होने चाहिए। आई जस्ट होप कि होमवर्क हुआ हो, ताकि आपके पास सेकंड लाइन ऑफ एक्शन जरूर मौजूद होना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको और प्ले करेंगे इसी तरह से, थोड़ी सी यू नो डिप्लोमेसी के थ्रू, थोड़े भाईचारे के थ्रू, थोड़ा सा ये कि जी आप देखें हमें मिला रीजनिंग करके, और फिर उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि फाइनल जो एक शॉट लेना पड़ेगा वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इवेंट है ये बहुत बड़ा इवेंट है। ये हमें सेंटर स्प्रेड पे डालता है, चैंपियंस ट्रॉफी 20-30 साल के बाद आईसीसी का ऐसा इवेंट हो रहा है। सो इसको हमें सिक्योर करना है, और इसके ऊपर जो है हमें मैं ये नहीं कहता लड़ाई करनी है, बट व्यू पॉइंट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी रीजनिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। सर एक लास्ट चीज, जैसे कि आप ये बता रहे थे, मैंने क्वेश्चन में बोला था कि एशिया कप में जो हम चार मैचेस लेके खुश हो गए थे, वो हमारा डिसीजन ठीक था कि चलो कुछ तो मिल गया, या वहां पे हमें एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था कि भाई नहीं भी हमारे पास वॉशिंग राइट है तो हमें ये मिलना चाहिए पूरा? देखिए मैं वही बात है कि अगर मेरे पास ये चीज होती तो फिर ये शायद मुश्किल नहीं, मुख्तलिफ तरह से मैं इस सारी चीज को लीड करता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी क्रिकेट तो है ही, क्रिकेट की इज्जत भी करानी है, अपने फैंस की इज्जत करानी है, अपनी कंट्री की इज्जत करवानी है, और फिर देखे ना वो पैसा एक हद तक ही रह जाता है। मैं जब आईसीसी की मीटिंग्स अटेंड करता था तो मैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को यही कहता था कि हमने देखें भारत के बगैर कोई 15 साल से बायलैटरल सीरीज नहीं खेली है, मगर हम जिंदा हैं, हमारे पास पैसे भी हैं, हम कंपेटिटिव भी हैं, ऐसा नहीं है कि। और फिर ये जब भी आईसीसी का मुकाबला होता है सबसे ज्यादा ये वॉचेबल कॉन्टेस्ट होता है। तो ये तो मेरा तो इसमें पॉइंट यही है कि ये फैंस को हम दूर क्यों रखें इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट से, इसके इतने ज्यादा आपकी मार्केटिंग वैल्यू है, फाइनेंशियल वैल्यू है, फैंस की वैल्यू है, और ऑफ लेट अच्छे मुकाबले हो रहे हैं। बट ये मुझे मेरे ख्याल से ज्यादती होगी कि अगर फिर से हाइब्रिड मॉडल पर चली गई चैंपियंस ट्रॉफी दुनिया में हो, उसमें इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और आपके सामने कि जो हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां कर रहे हैं वो हम इसी तरह इंशाल्लाह जारी रखेंगे, और इंशाल्लाह ताला एक कामयाब इवेंट होगा। मैं अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो मुझे अपनी गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, और अपनी गवर्नमेंट के पास जाके जो भी वो डिसीजन करेगी वो मुझे अमल दरामद करना पड़ेगा। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। 100 दिन पहले आईसीसी पाबंद है करने के लिए, अगर वो डिले करता है तो आपको मिलम में होगा कि उससे कॉन्ट्रैक्ट्स के पैसों में भी कमी आती है, सारा कुछ होता है, ये आईसीसी ने देखना है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईसीसी जल्दी, हमें उम्मीद है कि ये स्केड्यूल अनाउंस करेगा, देख लें फिर वो मुझे भी चेक कर लें। मेरा मैं आज भी कहूँगा कि मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये सियासत से साफ हो के क्रिकेट हो, इसमें किसी किस्म की पॉलिटिक्स ना हो, और चाहे कोई भी मुल्क हो अगर आपका किसी से कोई इख्तलाफ है अलग बात है, लेकिन खेल के अंदर सियासत नहीं आनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया के जो बीसीसीआई बोर्ड है उन्होंने खत्म कर दिया है मामला ही, और सीधा सीधा आईसीसी को लिख दिया है कि इंडिया की जो टीम है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी फॉर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी पार्टिसिपेशन के लिए। अब आईसीसी को के पास दो ऑप्शन है, या तो वो हाइब्रिड मॉडल को अपनाए, जिसके हवाले से मोहसिन नकवी ने वाजे तौर पर मना कर दिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं अपनाएंगे, पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। अगर मोहसिन नकवी की ये बात मानी जाती है तो फिर इंडिया की जगह हो सकता है कि किसी और टीम को शामिल किया जाए चैंपियंस ट्रॉफी में, जो कि श्रीलंका की टीम ही बनती है, लेकिन ऐसा होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेशन है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से ही होती है। इंडिया ही अगर नहीं होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी कोई देखेगा नहीं, तो फ़ायदा नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी मुनक़द करवाने का। और दूसरी तरफ दूसरी सोल्यूशन ये है कि हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाए, यूएई को कंसीडर किया जा रहा है हाइब्रिड मॉडल के लिए, कुछ मैचेस पाकिस्तान में होंगे और इंडिया के जो मैचेस हैं वो सारे के सारे यूएई में करवाए जाएंगे। क्या फैसला होता है आपको मजीद वीडियो के साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, ताकि आपकी क्या राय है
ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नए वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।